सोनू नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आप ठीक हैं? आपके प्रियजन सब कुशल हैं? सब ठीक हैं? और एकदम फिट है यार, एकदम ठीक है। और आपसे मिलकर तो और भी अच्छा लग रहा है। मैं सोनू आपसे जानना चाहता हूँ, आप बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। पिछली बार 2020 में जब पहला चरण था, आप प्रवासी मजदूरों के लिए मदद के लिए आए थे। इस बार आप क्या कर रहे हैं और कैसे इन जो राहत और रिलीफ एफर्ट्स हैं और मदद के जो एफर्ट्स हैं, इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? हेल्पलाइंस भी है, जैसे आज बैंगलोर के अंदर बहुत तकलीफ थी ऑक्सीजन की, तो एक हेल्पलाइन हमने जारी की कि किसी को भी बहुत इमरजेंसी में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा तो हम लोग पहुंचा सकते हैं। कल रात को बैंगलोर के अंदर हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा हादसा बचा, जब वहाँ पर गैस खत्म हो गया था और रात को हमें कॉल आया तो करीबन 30 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बचाए और उसमें 28 से 30 लोग भी थे, उनकी जान बचा पाए। ऐसे 4 दिन पहले फिर बैंगलोर में ऐसा किस्सा हुआ। तो हर रोज एक चैलेंज रहता है, टीम हर रोज बढ़ रही है, क्योंकि हम जब किसकी मदद करते हैं तो वो भी एक तरह टीम का हिस्सा बन जाता है उसका। कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार वाले खोए आनंद इस दौरान। हमने बड़ी बचाने की कोशिश की, उन्हें बेड्स भी दिलाए, प्लाज्मा हो कुछ भी हो हमने उन्हें दिलाया, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद हम उन्हें बचा नहीं सके। लेकिन वो लोग, उनके परिवार वाले टूटे तो हैं ही हैं, लेकिन वो साथ में टीम के साथ जुड़े कि हम अपने फैमिली मेंबर को तो नहीं बचा पाए लेकिन हम आपके साथ जुड़कर और लोगों को बचाएंगे। और आज वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। आप देश के किसी भी कोने में बात कीजिए, आज वहाँ पर हमारे लोग हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद अपने परिजनों को खोया है। तो टीम जो है स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन हाँ चैलेंज हम लोगों को रोज होता है। दुख इस बात का कई बार होता है कि जब आप बहुत घंटों किसी मरीज के लिए एक बेड दिलाने की कोशिश करते हैं और फिर सुबह पता चलता है कि आप उसे नहीं बचा पाए, तो वो एक बड़ा दुख होता है। हमने देखा कि बहुत यंग जो लोग हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। बहुत सारे किस्से मिलते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अभी आपको ज्वाइन करने से पहले देख रहा था, तो मैक्सिमम जो एज ग्रुप है 22, 24, 30 की एज ग्रुप है जो इस समय अपनी जिंदगी और मौत की जो जंग लड़ रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है और लगता है कि कैसे भी इन्हें बचाना जरूरी है। तो कोशिश जारी है, टीम को सोने नहीं देता हूँ मैं, दिन रात लगा रहता हूँ कि कोई भी इमरजेंसी आती है, और रात को ज़्यादा इमरजेंसीज आती हैं क्योंकि लोग अवेलेबल नहीं रहते। दिन में तो कहीं आप भागेंगे शायद कोई ना कोई मिल जाएगा, पर रात को हमारी टीम 24 घंटे तैयार रहती है कि कोई भी इमरजेंसी आए। सोशल मीडिया पे लोग मैसेजेस करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, और हमें किसी ना किसी थ्रू फॉरवर्ड जाते हैं, तो हम लोग उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं अपने हेल्प पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी, आपके और आपकी फाउंडेशन बहुत मेहनत कर रही है और आपकी एक टीम है, मैं जानता हूं, जो कि हमेशा तत्पर रहती है, रेडी रहती है। लेकिन सोनू, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले वेव में भी आप सड़क पर उतर गए थे लोगों के लिए, बस और फिर उनके जाने के लिए, ट्रैवल के लिए आपने बहुत बहुत हजारों का लाखों लोगों की मदद की। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में? पिछली बार इतने लोग मतलब हमारे सड़कों पर तो तकलीफ थी ही थी जो प्रवासियों को थी, लेकिन जो आम जनता जो घरों में थी वहाँ पर इतना मोर्टैलिटी का रेट नहीं था, इतने लोग जान नहीं गंवा पा रहे थे। लेकिन जो नया वेरिएंट आया, इसमें आपने सुना होगा, सब जानते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो नहीं बचे। आप आज देखते हैं कि हॉस्पिटल में गया नहीं बचा, अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टर्स बहुत तकलीफों में। मैं सारा दिन डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बातें करता हूँ पेशेंट्स को दिलाने के लिए। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह 100-100 किलोमीटर दूर भेजते हैं एम्बुलेंसेस कर कर कि उन्हें जान बचा सके, क्योंकि दिल्ली में बेड्स नहीं मिल पा रहे। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें समय नहीं मिल रहा लोगों को बचाने का। आज जो एकदम ठीक है या थोड़ा सा उसको थोड़ी सी तकलीफ है, अगले दिन इतना सीरियस हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि उसको कैसे बचाया जाए। मैंने पहली दफ़ा आनंद सुना था, एक ट्रीटमेंट होती है एक्मो मशीन की, जो लंग्स, आर्टिफिशियल लंग्स की जी तरह करती है और बचाती है काम पेशेंट को। करती हैं। ठीक, पहले नहीं मैंने सुना था, लेकिन मैंने खुद दो तीन लोगों को हेल्प किया एक्मो के थ्रू। एक हमने एक लड़की की जान बचा भी नहीं पाए, लेकिन आप विश्वास कीजिए मुझे 10 से 20 केसेस रोज सिर्फ एक्मो के आते हैं कि आप इन्हें बचाइए। मतलब आप ये सोचिए कि लंग्स लोगों के, इतने लोगों के खत्म हो रहे हैं कि उन्हें बचने का समय नहीं मिल रहा, और बहुत लिमिटेड मशीन है पूरे देश के अंदर हॉस्पिटल्स की। जो एक बार मशीन जो ऑक्यूपाई होती है वो छुटती नहीं है, और लोग इतने डेस्परेट हैं, आप कितना भी पैसा खर्चना करना चाहें लेकिन आपको मशीन नहीं मिलेगी। और आप सोचिए कि अगर आप उन्हें बचा ना पाए तो जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप वो भी क्या सोचते होंगे कि आपने जिंदगी में क्या किया कि आप अपनी जान बचाने के लिए एक
चीज अवेलेबल नहीं कर पाए, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं कर पाए और लोगों ने जान गवाई। तो ये बड़ा दुख हो रहा है कि जो जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है। जी, क्योंकि अब की बार जिस तरह से ये संक्रमण फैला है, 6 गुना 7 गुना ज़्यादा प्रेशर आया है हमारे हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसका अंदाज़ा और इसका अनुमान किसी ने भी नहीं लगाया था। तैयारी शायद 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा तक की थी, लेकिन उससे ज़्यादा की तैयारी किसी की नहीं थी। और इसीलिए लगता है हर कोई हाथ पैर मार रहा है ये देखने के लिए कैसे करें। और अब शायद थोड़ा सा पहले से बेटर है, पिछले 10-15 दिन के मुकाबले अब थोड़ी स्थिति बेटर है। लेकिन सोनू, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स और आप जैसे लोग जो हैं सामने आकर आपकी मदद कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, या फिर सरकारों ने, राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उन्होंने भी आगे बढ़कर आपकी मदद की है? देखिए, मैं पहुंचने की तो कोशिश हर जगह करता हूं और कई बार हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है, वो करते भी हैं। और सरकारें अपने लेवल पर 100% बहुत अच्छा काम कर रही होंगी और कर भी रही हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर हर किसी को, अगर आप किसी एक बड़े ऑफिसर को जो उस चीज़ का इंचार्ज है, अगर आप उसे फ़ोन करके 1-2 बेड दिलाते हैं, हमारे पास तो लगातार एक एक को बेड दिलाएं तो 7-8 और 10 आगे होते हैं उसी राज्य के, फिर आप कितनी बार उन्हें फ़ोन करेंगे। तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे नेटवर्क में, कि हॉस्पिटल्स में, हर एक डिपार्टमेंट में ऑक्सीजन के लिए कहाँ कहाँ भी उपलब्धि है, हमें उनसे टच में रहना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी तो हमें, हम एक जने पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते, कोई भी एक राज्य कहीं भी देश में हो। तो कम से कम हमारे 8 या 10 ऐसे चैनल्स मैंने बनाए हुए हैं कि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा, हमें कहीं ना कहीं वो सफलता मिल ही जाएगी। थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मेक श्योर कि उसको, उसकी जो चीज़ उसको चाहिए, हम लोग उसको दिला ही पाए। आपने मेरे साथ शेयर किया था कि जब आपको कोविड हुआ था तो आप 5-6 दिन में ठीक हो गए थे, और ख़ासकर शायद क्योंकि आपने वैक्सीन लगा ली थी तो फिर उसकी भी मदद हुई। लेकिन एक आपका जो एटीट्यूड था, मेंटल अप्रोच था कि कोविड की ऐसी की तैसी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेल आवर व्यूअर्स, उनको ज़रा बताएं कि कैसे अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर वो संक्रमण उनको हरा देता है। ये जो बैटल है पॉजिटिविटी का, इसको आप कैसे कहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे फॉलो करें? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमें पता है कि हम मुश्किल हालातों में रह रहे हैं, और ख़ासकर जब हम अपने आसपास इतनी खबरें सुनते हैं कि इतने यंग लोग जा रहे हैं, बचे नहीं, तो हमारा दिल कहीं और टूटता है। अब सोचिए, जो अस्पतालों में मैं बहुत मतलब कई हज़ारों पेशेंट्स के साथ टच में रहता हूँ, और उनके परिवार वाले बोलते हैं कि हम बात नहीं कर पा रहे, या उनको तकलीफ़ें हैं और उनका कोई ध्यान नहीं दे पा रहा अस्पताल में। आप देखिए, तो मैं फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर्स जाते हैं उनके पास, तो उनको एक अच्छा लगता है कि यार सब सही है। पर जो आज अस्पताल में है, देखिए, हम अलग उस समय में रह रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो जाए अस्पताल में, तो आपको पता है कि आपके परिवार वालों को भी आपको देखने को नहीं मिला जाएगा। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल का एक बेड ढूंढ रहा था, दिल्ली के अंदर मिल नहीं रहे थे, तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक बेड ढूंढा, और मैं जब फ़ोन करके करने वाला था तो अचानक एक मैसेज आया मेरी फ़ोन पर, और उन्होंने बोला कि एक बड़ा ICU बेड है, प्लीज़ आप बता दीजिए। पता नहीं, रैंडम फ़ोन था, तुरंत उनको वापस फ़ोन किया। मैंने बोला कि एक बेड है, शायद आपकी किस्मत अच्छी है और मैंने अभी बेड ढूंढा और आपका मैसेज आया, शायद आप ही के लिए था, चलिए। वो जो हस्बैंड था, वो गांव, वो हॉस्पिटल जाने को रेडी नहीं था। वो उसने बोला कि अगर मैं मरूंगा तो घर पे ही मरूंगा, मैं अस्पताल में जाके नहीं मरूंगा, मुझे नहीं जाना। तो उसकी जो वाइफ है रो रही थी जोर से, उसकी बेटी रो रही थी। मैंने बोला कि आप मेरी बात करवाएं। मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला कि सर, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप ठीक होकर वापस आएंगे, आप अस्पताल जाइए। तो वो इतना घबराया हुआ था कि कह रहा, सर अगर मैं चले गया तो ना मैं अपने परिवार के साथ को दोबारा मिल पाऊंगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वाले वापस देख भी नहीं पाएंगे। तो मैं समय इधर ही बताना चाहता हूँ। आप ये सोचिए कि मेंटली लोग इतने टूट चुके हैं कि उन्हें लगता है कि यार मैं घर पे ही रहूं और हो जाऊं, और उसमें बहुत लोगों की तबीयत खराब भी होती है। तो मैं जितने दर्शकों, उनसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अपने जो मनोबल है उसको इतना स्ट्रांग कीजिए कि आपका अंदर से ही जो रिकवर होना शुरू हो जाए कि भैया ठीक है। लेकिन साथ साथ
टेस्ट करवाते रहें, ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते रहें, सीटी स्कैन्स करवाएं, और जो जो चीज़ें हैं उसको बताते रहें। कोई प्रॉब्लम है तो परिवार में बताएं, परिवार वाले डॉक्टर्स को बताएं, जहां पर भी आपके यू नो मैंने खुद फ्री हेल्थ लाइन शुरू की हुई है, जहां पर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्टिंग चाहिए तो टेस्टिंग हम करते हैं, आपको कुछ कंसल्टेशन चाहिए, कुछ पूछना है, आपको तकलीफ है तो वो भी हम आपको आंसर करेंगे कि आपको अभी डॉक्टर्स की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन ये समय मनोबल स्ट्रांग के साथ साथ थोड़ा सा सतर्क रहने का भी है कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें और कोरोना को जीतने ना दें। ये समय कट ही जाएगा, लेकिन अभी अपने आप को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है।